ठंड का मौसम है और मार्केट में इस टाइम काफ़ी अच्छी अच्छी सब्जियां मिलती हैं, लेकिन घर में कई मेंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें बंद गोभी नहीं पसंद आती, तो उनके लिए आज मैं लेकर आई हूँ मसालेदार बंद गोभी दम आलू की सब्जी। तो अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा है जिन्हें बंद गोभी नहीं पसंद, तो उन्हें इस तरीके से बनाकर खिलाइए, तो नेक्स्ट टाइम वो इसी सब्जी की डिमांड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। कैबेज दम आलू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 400 ग्राम बंद गोभी और 4 मीडियम साइज आलू लिए हैं। दोनों को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। आलूओं को मैंने बीच से कट किया है बस, और बंद गोभी को रफली चॉप कर लिया है। अब आपने लेना है एक कुकर, क्योंकि इसे हम कुकर में पकाएंगे, तो बंद गोभी और आलू को इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 ग्लास पानी। इससे ज़्यादा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, वरना बंद गोभी मशी हो जाएगी। तो इस पर ढक्कन लगाकर अब गैस पे रखते हैं। हमें गैस को रखना है हाई फ्लेम पे। इसे बस 3 विसल देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो 3 विसल हो चुकी है, गैस को ऑफ कर देते हैं और कुकर को साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब तक कुकर डीप्रेशराइज हो रहा है, तब तक मैंने यहाँ 2 टमाटर और 3 मीडियम साइज प्याज को ऐसे लंबा लंबा कट कर लिया है। इस रेसिपी में प्याज का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करना है, तभी सब्जी का टेस्ट अच्छा आएगा। इसके साथ ही मैंने 2 हरी मिर्च और जिंजर गार्लिक पेस्ट रेडी कर लिया है। तो कुकर ठंडा हो चुका है, इसे खोल लेते हैं। आलू और पत्ता गोभी पक चुकी है। अगर 3 विसल में आपकी आलू नहीं पकती तो कोई बात नहीं, आगे के प्रोसेस में आप उसे पका लीजिएगा। अब सब्जी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस को रखना है मीडियम फ्लेम पे, और उसमें ऐड करेंगे हम 4 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल। सरसों के तेल से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए सरसों का तेल ही यूज़ करें। तेल गर्म होते ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, इसे बीच से हल्का तोड़ लिया मैंने, 2 तेज़पत्ता और 1 टीस्पून जीरा। जब जीरा हल्का सिजल होने लगे तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च, इसे मैंने बीच से कट कर लिया है। मिर्च आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपने ऐड करना है कटी हुई प्याज, जो मैंने इस तरीके से लंबी लंबी स्लाइसेस में कट कर ली है। इस तरीके से कट करने से प्याज जल्दी फ्राई हो जाती है। अब हम प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, या जब तक प्याज का हल्का कलर नहीं चेंज हो जाता। तो प्याज हल्की सॉफ्ट हो गई है, अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे आधा मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे, ताकि ये तले पे चिपके ना। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हल्का फ्राई हो चुका है। इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर, और टमाटर जल्दी पके उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। अब इसे कवर करके 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। काश्मीरी लाल मिर्च से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। इस रेसिपी में हम धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे ढककर 2 मिनट और पकाएंगे। तो हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा वेजिटेबल स्टॉक, यानी कि जो कुकर में पानी बचा हुआ है बंद गोभी और आलू का, वो पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। आप चाहें तो नॉर्मल पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जितनी रखनी है उतना ही इसमें आप पानी ऐड कीजिएगा। मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक चाहिए, तो मैंने इसमें थोड़ा ही पानी ऐड किया है। अब इसे ढककर 2 मिनट तक लो फ्लेम में पकाएंगे। अब इसमें मैं 1/2 कप मटर ऐड कर रही हूँ।
क्योंकि पत्ता गोभी और मटर का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। मैं यहाँ फ्रोज़न मटर का यूज़ कर रही हूँ। आप फ्रेश मटर का यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें प्याज के बाद ही ऐड कीजिएगा। अब बस हम इसमें ऐड करेंगे अपने बॉयल्ड बंद गोभी और आलू। आलू मैंने अलग करके छील लिए हैं। अब इसे बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि इसमें आलू मैश ना हो जाए। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक बहुत ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा क्योंकि मैंने कुकर में फिर टमाटर में भी नमक ऐड किया है, तो अभी बस 1/2 टीस्पून नमक ही काफ़ी होगा। तो अब इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट तक और पकाएंगे ताकि आलू और पत्ता गोभी में मसालों का फ्लेवर अच्छे तरीके से आ जाए। और अगर आपकी आलू कुकर में नहीं पकी थी तो अब इसे इस टाइम ढककर पका लीजिएगा। तो 5 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। सब्ज़ी अच्छी तरीके से पक चुकी है, कलर भी काफ़ी अच्छा आया है और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो बस लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। इसे हल्का मिक्स करेंगे। ये देखिए, एक आलू मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब गैस ऑफ करके 1 मिनट तक ढक कर रहने देंगे ताकि धनिया की खुशबू इसमें अब्सॉर्ब हो जाए। तो रेडी है हमारी मसालेदार बंद गोभी दम आलू की सब्ज़ी। इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसी तरह की अमेजिंग रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें।